और ये बात हम सब मानते हैं। हो सकता है हमारे कांग्रेस के लोग इस बात को नहीं मानेंगे। नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। भारत की तरफ से चाइना पर एक्शन की पूरी तैयारी कर ली गई थी। दो दिन पहले लद्दाख में पीएम मोदी इसका संकेत चीन को देकर आए थे, पर ग्लोबल टाइम्स का बड़बोला कॉलम आज काली स्याही से पुत गया। मोदी की एक ही गुड़की से चीन न केवल 1.5 किलोमीटर पीछे हटा, बल्कि शांति के गीत अब पाकिस्तान के बेसुरा मुल्ले की तरह गाने लगा है। अब यह अलग बात है कि यह श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन पर नाच है या फिर सुदर्शन चक्र से तशरीफ कटने का डर है। इससे यह जरूर स्पष्ट हुआ है कि डींगे मारने वाले सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्ट का विस्तार तो हो सकता है, पर भारत के सामने खड़े होने के लिए मजबूत जिगर की भी आवश्यकता है। पर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के पास तो मजबूत टांगे भी नहीं है। रेंगते हुए आए थे, घिसटते हुए भाग गए। कुछ ऐसा ही देश की मीडिया में चलता हुआ दिखाई देगा, पर भारत को यह भी सावधानी बरतने की जरूरत है। चीन जैसा कीकर वर्क्स कटने के बाद भी कांटे छोड़ देता है, इस चालबाज मुल्क का भरोसा करना भारी पड़ सकता है। खासतौर से तब तक पूरी दृष्टि और सतर्कता बरतनी जरूरी है जबकि पीएलए अप्रैल 2020 वाली स्थिति में नहीं लौट जाती है। चीनी सैनिक पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से पीछे हटे हैं। ये वही जगह है जहां दोनों देशों के बीच झड़प हुई थी, मगर यहां एक बात जरूर अचंभित करती है कि भारतीय सेना भी पीछे हटी है। सरकार ने ऐसी जल्दबाजी क्यों दिखाई, इस पर सवाल फिलहाल तो शायद ना उठे, पर चीन ने फिर से कोई चालबाजी की तो सरकार को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इस सब के बीच चौंकाने वाली बात यह है कि पीएलए ने नो मैन्स लैंड में कब्जा किया था, जबकि भारत ने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। नो मैन्स लैंड जोन में पीएलए 8 किलोमीटर भीतर घुसी थी। कहा जा रहा है कि वह 1 से 2 किलोमीटर पीछे जा रही है। वह अपनी पूर्वी स्थिति में कब जाएगी, इस पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। यानी अभी भी पीएलए 6 किलोमीटर के करीब भीतर है। चौंकाने वाली बात यह है कि चीनी भारी बख्तरबंदवान अभी भी गलवान नदी के क्षेत्र के गहराई वाले इलाके में मौजूद है। यहीं से कुछ दूरी पर चीनी सेना का हेलीपैड भी बन चुका है। इसका मतलब यह है कि पीएलए ने यह हेलीपैड टूरिस्ट स्पॉट के लिए नहीं बनाया है, वह किसी भी हाल में शायद ही उसे छोड़े। चीनी सेना फिंगर 4 से कुछ दूरी पर मौजूद है, जबकि भारतीय सेना फिंगर 3 और 4 के बीच में मौजूद है। भारत फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करता है, मगर पीएलए के सैनिक भारतीय पेट्रोलिंग पार्टी को आगे नहीं जाने दे रहे थे। बड़ी बात यह है कि चीनी सेना के 1-2 किलोमीटर पीछे लौटने से मामला पूरी तरह नहीं सुलझा है। यह ठीक उसी तरह हो रहा है कि 8 किलोमीटर भीतर आए थे, 2 किलोमीटर पीछे लौट गए, जबकि भारतीय सेना जहां थी वहां से भी पीछे हटाई जा रही है। अब सवाल यही उठता है कि अगर यह सब करना था तो चीन इसके लिए बिना एलएसी पर तामझाम के भी राजी हो जाता। यह तो चीन की नीति रही है कि 2 किलोमीटर बढ़ो और 0.5 किलोमीटर वापस लौट जाओ। निसंदेह मेरे जैसे बहुत से लोगों को यह सब बेहद नागवार गुजर रहा होगा। देश में एक ऐसा तबका बड़ी तादाद में मौजूद है जिसे गांधी के बंदर प्रेरित नहीं करते हैं। यह बंदर समस्या का समाधान नहीं करते, बल्कि समस्या पैदा करने के लिए शोकेस में बिठाए गए हैं। भारत का राजनीतिक वर्ग आज भी इन बंदरों पर नियमित माल्यार्पण कर रहा है। शायद यही वजह है कि यहां इसराइल से दोस्ती के समर्थकों की भीड़ ज्यादा जरूर है, मगर राष्ट्रभक्ति के प्रति आक्रामकता उसके मुकाबले 10% भी नहीं है। शायद गांधी जी की 150वीं जयंती का उल्लास कुछ ज्यादा ही हम पर हावी हो रहा है। देश को स्मरण रखना चाहिए कि चाइना फिर से भारत पर घात करेगा। वह अपने स्वभाव का परित्याग नहीं कर सकता है। वह ऐसा करने से पहले जरूर सोचता अगर मोदी सरकार या फिर इंडियन आर्मी उसे एलएसी पर सबक सिखा देती। पर कभी कभी लगता है कि ग्लोबल टाइम्स का बयान सफल हो गया है, बात गर्जे विराजे से ज्यादा नहीं हो पाई। देश की भावनाओं को पूर्व की तरह एयर कंडीशनर की शीतल हवा में उड़ा दिया गया, पर अभी यह इतना अर्थ नहीं करेगा। फिर से कोई गलवन होगा तो जोश फिर से हाई कर दिया जाएगा, क्योंकि राजनेताओं का काम यही है कि पहले जोश भरो, फिर चुपके से कान में कहो, अब जाकर कहीं डूब मरो। शायद इसीलिए हमारे ज्यादातर सैनिक गलवन के ग्रास बने हैं, क्योंकि उन्हें पता था वे डटे या मरे परिणाम यही निकलना है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।